जाती है, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती है, इसलिए कश्मीर में यही चाय पी जाती है क्योंकि इस सर्दी को कम करने में कारामद साबित होती है। एक कप की कीमत क्या है? 100 रुपए की आप दे रही है और इसमें काफी मेहनत है। दाची दल तदा कश्मीरी ज्वेलरी प्राचरी और दागा कश्मीर वाला कम टोपे चिरी दत्ता चुड़ी दल ऐसा कैमरा मैन राउड मस्के जल तजीदे ज्यादातर चीजों ने पलासू ने जोड़ हुई थी और आगे नुमाइश लखल को राउड़ी थी। हैंडमेड है, क्या भी हैंडमेड है। और अच्छा ये सब हाथ के बने हुए हैं? सारे हाथ के बने हुए। और कितना टाइम इसमें लग जाता है? ये तकरीबन इसमें जो है ना 2 महीने लग जाते हैं कैप बनाने में। और अब कश्मीर म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम मलगुरु खुश दिल खानी माँ और दामा सरदे लियाकत भाई कटास द पाकिस्तान सकाफत तहजीब खुराक काक लिबास पर यो वीडियो के कतल वाड़े पदी वीडियो के दिता से पाकिस्तान खुराक काक कम सकाफत चिरे अगर पदी वीडियो के दिता से खायम और बल द मजी खबर पर गिदार चिंदन पर गिदे पुख्तू म्यूजिकल नए तुम दे नुराजा मुंतरा लोकवीर सा के पाकिस्तान सकाफत मेला लगे दिल जनो दिल तर मुंग टिकट रख लो और ब्याह बाल ते एंट्री की गुन मुंग सरो से डेर खोले विलाग बता द पारो जुड़ जरवली खान टिकट मुंग लगा कस तो असि खुशोर पे टिकट ते मुंग सर गोता कल मुंग ते मुंग स्टूडेंट आनी दा गोरे दा मुंग ओस एंटर की गो मुंग सरो से टोल नावल जी देता सो मुंग दासा जम्मू कश्मीर पवेलियन तबुजू जदु सकाफत गुरु राजा मुंग तरह जल तजीदे ज्यादातर चीजों ने पलासू ने जोड़ हुई थी और आगे नुमाइश ने खलक रावड़ी थी जो राजा मुंह तेरे गुरु जिससे से जलता अवेलेबल थी खलक सुमर मेहनत की पदे मंदे मैडम ये बताए ये जो आप कश्मीरी चाय बना रही है ये किस तरह बनती है? ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, इसमें काफी मसाला डाले जाते हैं। हम लोग एक जड़ी बूटी है मसलून उससे बनती है ये, और इसके अंदर दालचीनी वादे खताई इलायची चूर्ण बहुत मसाले जाते चाय की जाती है। सर्दियों की ये स्पेशल चाय होती है, सर्दी में जो है वो ठंड को कम देती है, कम करती है, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती है, इसलिए कश्मीर में यही चाय पी जाती है क्योंकि इस सर्दी को कम करने में कारामद साबित होती है। एक कप की कीमत क्या है? 100 रुपए की आप दे रही है और इसमें काफी मेहनत है, बहुत मेहनत। तो कब से ये काम कर रही है? मेरा तो यहाँ लोग बिरसा में तकरीबन 7 साल से स्टॉल लगा रहे हैं। दाची दल तदा कश्मीरी ज्वेलरी प्राचरी और दागा कश्मीर वाला कम टोपे चिरी दत्ता चुड़ी दल ऐसा कैमरा मैन राउड मस्के मेरा नाम लियाकत हुसैन है। मेरा काम जो है ना कश्मीरी कल्चर ज्वेलरी का काम है। ये सारी ज्वेलरी जो है ना हैंडमेड है, और इसमें जो है ना कुछ चांदी की भी है और कुछ मिक्स चांदी की भी है, और जो है ना इसके अंदर रियल पत्थर के अंदर आजकल मैं जो है बना रहा हूँ। ये कैप है, ये नई कैप ना, ये ज्वेलरी जो है ना हैंडमेड है, कैप भी हैंडमेड है। और अच्छा ये सब हाथ के बने हुए हैं? सारे हाथ के बने हुए। और कितना टाइम इसमें लग जाता है? ये तकरीबन इसमें जो है ना 2 महीने लग जाते हैं कैप बनाने में। और प्राइस क्या रखा है आपने? 3500। और ये कैप जो है ना पुरानी कैप है और पुरानी ज्वेलरी है, इसकी कीमत 6000 रुपए है। ये भी किसी दौर में मैंने बनाई थी ये, लेकिन ये पुरानी हो चुकी है ना। उसके बाद ये ई रिंग्स है रियल पत्थर के अंदर, इसकी कीमत है 2200। और इसमें छोटा सा देख लें आप, ये इसके 250 है, ये भी रियल पत्थर के अंदर है। उसके बाद अंदर आ जाइए आप, ये कश्मीरी जो है ना नेकलेस है,
ये बहुत पुराना नेकलेस अभी बनता भी नहीं। अब देख रहे हैं एक चीज है ना पुरानी पड़ती है, एक चीज बनानी पड़ती है, ये वाली ये जेन्युइन में है। इसकी कीमत जो है ना 6000 का पूरा सेट है, दो कानों के हैं, अंगूठी है और एक नेकलेस है। और इस तरफ आप आ जाएंगे ई रिंग से सारे ना, इसके 100 रुपया, 200, 500, 800, 1200, 1500। और मेरा अच्छा ये चीजें भी हाथ की बनी हुई है, सारी हाथ की बनी है, इसमें कोई ऐसे मशीन मेड नहीं है। और मेरा तलक लोग विशाल शेख पड़िया इस्लामाबाद से है। और जो है मेरा नाम लियाकत हुसैन है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट से, हैंडीक्राफ्ट मेरे शॉप का नाम है। और आप अपनी तरफ से आर्डर दे के बनवा सकते हैं, आप तशरीफ लाए लोग वर्षा के अंदर, इंशाल्लाह अपने कल्चर को जो है ना देखें और अपने कल्चर को प्रमोट करें और अपने कल्चर का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया अल्लाह, थैंक यू। खादता तो कहते शही हो बल मशर दल के लिए क्या दे और बलास बन दिया शालू ने जोड़ी कल आया नहीं कही दुराजे दे सर खबर है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर क्या बना रहे हैं आप? ये ट्राली सेट बना रहा हूँ। अच्छा ये एक बनने में कितना टाइम लग जाता है? ये दिन में तीन पीस बन जाती है जी। प्राइस क्या रखी आपने इसकी? जो है 1500। 1500 तो इस कल्चर के हवाले से लोग कुछ बताएंगे कि ये बहुत अच्छा काम है, इसको बच्चों बच्चिये और बच्चे दोनों को करना चाहिए, वेले नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा आप क्या क्या बनाते हैं? इसके अलावा जो है टिकोजी, रोटी दान, बेडशीट, ट्राली मैट, मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, नमदे बनाते हैं। अच्छा भाई आप मुझे ये बताइए ये जो आपने चीजें रखी ये सब हाथ के बनी हुई? मुख्तलिफ है, इसमें हाथ के बने हुए भी हैं, मशीन के बने हुए भी हैं, मुख्तलिफ है इसमें। और जो चीजें हाथ से बनी हुई कौन कौन सी? इसमें ये सामने लगे हुए सारे हाथ के बने हुए, इसकी हाथ की कढ़ाई है सारे। और इसकी ये क्या चीज है? इसको टिकोजी बोलते हैं, ये चाय गर्म करने के लिए चाइना के ऊपर आते रखते हैं इसको। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 1500 रुपए। आप कब से यहाँ पर काम करते हैं? हम 3 साल से कर रहे हैं। इसके अलावा कहाँ पे काम करते हैं? ये मुजफ्फराबाद दस सीजनों में टूल चीजें हैंडमेड दी दुकानदार तल दे मुझला और दाद अगर सीजन दी बता दो कते तुम्हारा मेहनत खनक थी। पूरे पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है उसको मैंने अपनी पेंटिंग का मौजूद बनाया, क्योंकि इससे पहले जो था इस तरह होता था कि लोग थे मुख्तलिफ वो अलग अलग पेंटिंग्स बनाते थे, लेकिन मैंने उसको ये किया मतलब मिसाल के तौर पर लैंडस्केप, फ्लावर्स, न्यूड और इस किस्म की दूसरी चीज़ है। लेकिन मैंने इसको इसलिए ये बनाया कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी ये पेंटिंग लगे तो पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है, पाकिस्तान का जो हेरिटेज है वो प्रमोट हो। और उसके साथ साथ जो है मेरा मकसद भी ये था कि कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो पेंटिंग और स्कल्पचर और ये सब के साथ मिक्स हो, तो उसका नाम मैंने रखा कंस्ट्रक्टिव आर्ट। और फिर मैंने उसको जो है इस तरह किया कि उसमें पाकिस्तान का जो आर्किटेक्चर है वो स्कल्पचर, रिलीफ और कैलीग्राफी और मॉडर्न आर्ट चारों को मिक्स करके बनाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों ने बहुत इसे पसंद किया। लेकिन इसके बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि जाके ऑब्जर्वेशन करना पड़ती है जगहों पर और फिर वापस आके जो है ना पेंटिंग्स को कम्प्लीट। और लोक विरसा में कब से स्टार लगा रहे हैं? लोक विरसा में मैं 2002 से लगा रहा हूँ। तो ये जो था ये लोक विरसा ने जो जगह मुझे दी हुई है अल्लाह के फजल से, इसमें उन्होंने जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जितने पाकिस्तान के जो अच्छे दस्तकार और इस किस्म के वो थे आर्टिस्ट उनको इन्होंने सेलेक्ट किया और उसका जो इंटरव्यूज हुए, फिर उसके बाद जो है ये मेरी 56 एग्जीबिशन हुई है। अल्लाह ने 4 दफ़ा नेशनल अवार्ड भी दिलाया है लाहौर से, कराची से, पिशावर से। एक के बनने में कितना टाइम लग जाता है? ये एक बनने में तो 2 हफ्ते लग जाते हैं तकरीबन, बहुत सी जो है महीना लग जाता है। अब जैसे वो ऊपर वाली है जो वो है उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये एक सेल कितनी में हो जाती है? सेल का ये है कि मैं सेल के लिए ज़रा मुनासिब पैसे लेता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जाके कॉपी पेंटिंग खरीद लेते हैं और वो उसी को पेंटिंग समझ के खुश हो जाते हैं कि हमने पेंटिंग खरीद ली। बहुत कम लोग ऐसे हैं पाकिस्तानी जो रियल आर्ट को समझते हों कि आर्ट क्या है, पेंटिंग क्या है और उसको कैसे खरीदना है और उसकी क्या वैल्यू है। तो इसके लिए मैं मुनासिब से 30,000-20,000 इस तरह सेल कर देता हूँ। लेकिन पहले जब अपनी एग्जीबिशन वगैरह करता था तो वहाँ 1 लाख और इससे ज़्यादा के प्राइस देता था, लेकिन उसमें यह था कि ये आर्ट जो था वो फिर महदूद लोगों तक जा रहा था और आम लोग जो थे वो जाके फ्रेमर से पेंटिंग खरीदते थे
या कहीं से भी बाजार से, तो वहाँ वो जो पेंटिंग होती है वो पेंटिंग की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होती नहीं, वो पेंटिंग में शुमार ही नहीं होती और लोग उसी को पेंटिंग समझते हैं। लेकिन आर्टिस्ट जो हैं, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्हें पता होता है कि ये जो है ना पेंटिंग नहीं है। जो आर्ट लवर्स हैं या आर्ट बायर्स हैं वो भी ये समझते हैं कि कौन सी पेंटिंग जो है ना पेंटिंग है। अच्छा, ये जो लुकवीर से इंतजामिया है हर साल पे यहाँ पे ये मेला लगाते हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये हर साल यहाँ पर लगाते हैं तो इसमें लोगों को ये फायदा हो जाता है कि पूरे पाकिस्तान का जो दस्तकारी है और पूरे पाकिस्तान की जो चीजें हैं वो इन्हें आसानी से और मुनासिब प्राइस में यहाँ मिल जाती हैं। लोगों को तो ये फायदा हो जाता है और दस्तकारों को ये फायदा होता है कि उनको जो है ना पैसे वगैरह मिल जाते हैं। और अब कश्मीर म्यूजिक। کشمیر ثقافت شکم تاسوڑی دو او دنور سبو ثقافت کم ویڈیو گانی شدی اگر ہم دیر زر پدی یوٹیوب چینل من اپلوڈ کو پتا سو سے پوری زمان یوٹیوب چینل نی سبسکرائب کرے تو یوٹیوب چینل اور سر سبسکرائب کے جتا سے مزید معلوماتی ویڈیو گانی ملاوی گی تو ٹول ملگر دیر مننا والسلام